सॉरी फॉर इंटरप्शन इज टेक्निकल। तो टेक्निकल बातें तो हो ही जाती हैं, जैसे हम आपको टेक्निक बता रहे हैं वही बातें यहां भी हो गई। तो यहां पे देखिए फंडामेंटल क्वेश्चन, देखिए फंडामेंटल कैरेक्टर्स नोटोकॉर्ड और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेरड फेरेंजियल गिल स्लिट। रिमेंबर हाईलाइटेड वर्ड्स विल गिव यू 40% क्वेश्चंस, तो हाईलाइटेड वर्ड को कभी छोड़ना नहीं। यहां पे वही दिखा दिया गया है, यहां पे दिखा है बाकी सब वही है, सिमेट्रिकल ट्रिपलो ब्लास्टिक ब्ला ब्ला ब्ला। अब प्रेजेंट इन कंपैरिजन, अगर इस आधार को आप लेके अब आगे हम बढ़े तो क्या दिखाई देगा, आइए कंपैरिजन पे। ये तो आपको मालूम है, मुझे ज्यादा कुछ बोलने की बात नहीं है। अगर कुछ बात बोलना चाहो तो क्या बोल सकते हो, बोल सकते हैं अ पोस्ट एनल पार्ट हार्ट वेंट्रल इन कॉडेट डॉर्सल इन नॉन कॉडेट हैज टू बी नोन टू यू परफेक्टली करेक्ट। अगर हम कॉडेटा को डिवाइड किए तो यहां पे देखिए पार्ट्स क्या दे रहा है, यूरो कॉडेटा ऑल्सो कॉल्ड एट ट्यूनिकेटा, नो कंफ्यूजन, सिफेलो कॉडेटा एंड वर्टिब्रेटा, तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो व्हाट आई कैन से हाउ मेनी कॉर्डेट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, टू पार्ट्स, फोर पार्ट्स, जीरो पार्ट्स। ये मेरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए इसमें कितने हो रहे हैं, यूरो कॉर्डेटा ट्यूनिकेटा सिफेलो कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यहीं पे अगर ध्यान दो तो हम सबसे पहले सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा पे आते हैं और इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं। ए और इसको और क्या बोल सकते हैं, रिफर्ड एज प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो मींस पहले से, बिफोर, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, एक्सक्लूसिवली मरीन इन। अब ये क्या था, यूरोकॉर्डेटा चल रहा है, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल कंडीशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हम इसको रेड से भी मार कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सिफेलोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल, वाइल इन सिफेलोकॉर्डेटा ध्यान दीजिए कहां एक्सटेंडेड है, फ्रॉम हेड टू टेल। क्या एक्सटेंडेड है, नोटोकॉर्ड। ये नोटोकॉर्ड के बारे में बात बोली जा रही है, वन क्वेश्चन एंड टू क्वेश्चंस। अगर ये एग्जांपल दिया गया है यूरोकॉर्डेटा का, सीरिया सल्पा डोलियोलम सिफेलोकॉर्डेटा ब्रैंकियोस्टोमा, इसी को एम्फियोक्सिस या तो लैंसेट बोलते हैं, तो इसके लिए मैंने निमोनिक्स बना दिया। यूरो आज सब डोलमा कार बीएमडब्ल्यू लेके आज पूरा का पूरा दिन डोलमा में है, कार बीएमडब्ल्यू लेके, ये कंप्लीटली आप आधार पे देख सकते हैं, यूरो फॉर यूरोकॉर्डेटा, असीडिया आज सल्पा सब डोलिलोलम डोलमा, सिफेलोकॉर्डेटा फिर से आ गया कार ब्रैकियोस्टोमा बीएमडब्ल्यू, मैंने लैंसेट लिया है, लैंसेट लेके यूरो आज सब डोलमा कार बीएमडब्ल्यू लेके,
बीएमडब्ल्यू में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए सब डोलमा में है. तो प्लीज जस्ट ट्राई टू गेट इट एंड ट्राई टू रिमेंबर, दैट्स हाउ एग्जाम्पल एंड किसका एग्जाम्पल है, यू कैन नो दैट. यूरो कॉर्डेटा में दो एग्जाम्पल है, आज और सवेरे. डोलिमा में एक तीन एग्जाम्पल है, आज सवेरे डोलमा. फिर सिफेलो कॉर्डेटा में एक एग्जाम्पल है, ब्रैकियोस्टोमा. तो सिफेलो कार है, ब्रैकियोस्टोमा बीएमडब्ल्यू है, और लेके लैंसियोलेट है, उसी को एम्फियोक्सिस भी कहते हैं. तो इन बातों को आप जरा सा दिमाग में ले लीजिए और आगे जाइए. अब यहां पे देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम में तो कोई खास बात नहीं है, हम चले जाते हैं. यहां पे दिया हार्ट विद टू थ्री और फोर चेंबर्स, डिफरेंट केसेस में. फिशेस में टू चेंबर, फ्रॉग में थ्री चेंबर. अगर आप फिश ले लो, फिश में आपको मालूम है टू चेंबर्ड हार्ट, और फ्रॉग ले लिया तो थ्री चेंबर्ड, एप्स ले लिया और मैमल ले लिया तो फोर चेंबर्ड. तो ये सारी बातें आपको मालूम होंगी, आई एम जस्ट टेलिंग यू, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इट, बट देन टू आई जस्ट मेड अ मेंशन अबाउट इट. हम आगे जा रहे हैं इसी बात को लेके. ये आपको मालूम है, यहां पे ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे. ये डिवाइडेड है अग्नायथा, लैक ऑफ जॉ, नाथोस्टोमेटा बेरिंग जॉ. यहां पे दो ग्रुप हो गया, पाइसिस एंड टेट्रापोडा, जिसको लिम्स होती हैं. यहां पे दो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस. इसका प्रोनंसिएशन एक बड़ा टास्क है, कॉन्ड्रिक्थिस एंड ऑस्टिक्थिस. और यहां पे अगर आप देखोगे तो चार ग्रुप है, चार क्लासेस है. यही यहां पे दिखाया गया. तो इसी के आधार पे हम अब आगे जा रहे हैं. पहला आया क्लास अग्नायथा, जिसमें जॉज होते नहीं है. जरा प्रेज्यूम तो करो, अगर आपको जॉज ना हो तो आप क्या दिखोगे? ये थोबड़ा कहां दिखेगा? अपर एंड लोअर जॉज आर नॉट देयर. तो सेम इज द वे, जैसे बुढ़ापे में दांत नहीं रहते कैसा मुंह दिखता है, यूं सेम इज द वे हियर. अग्नायथा लैक ऑफ जॉ शोइंग व्हाट? साइक्लोस्टोमेटा. इसमें क्या देख रहे हैं आप? साइक्लोस्टोमेटा में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये एक्टोपैरासाइट है. किस पे पैरासाइट होता है? फिशेस के ऊपर. इलोंगेटेड बेयरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिलस्लिट, इसमें इतनी लंबी गिलस्लिट होती है, राइट? और साइक्लोस्टोमेटा है सकिंग, सर्कुलर माउथ, जॉलेस, पेट्रोमाइजोन यहां पे दिखाया गया है, राइट? एंड बॉडी डिवाइड ऑफ स्केल्स, फिश के जैसे स्केल्स नहीं होती हैं, एंड डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, बोनी नहीं होते, कार्टिलेजिनस होते हैं. क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? एंड साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वॉटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैरीन हैबिटेट में है लेकिन स्पॉनिंग के लिए कहां पे आ जाता है? फ्रेश वॉटर. अटर इंपॉर्टेंट, आफ्टर स्पॉनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई. स्पॉनिंग के बाद ये मर जाते हैं. इट्स लाइक ड्रोन्स ऑफ बीज, आफ्टर मेटिंग दैट मेल ड्रोन दैट इज द बी डाइज. सेम बींग शोन, आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई. तो क्वेश्चन कुड बी विच ऑफ देम डाई आफ्टर सर्टेन काइंड्स ऑफ
रिप्रोडक्शन. तो रिमेंबर दैट. यहां पे क्या हो जाएगा, डाइज वेयर आफ्टर स्पॉनिंग एंड ड्रोन डाइज आफ्टर मेटिंग. दोनों में एक ही करेक्टरिस्टिक है. और यहां पे मेंशन क्या किया है, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन हग फिश. तो मैंने क्या ले लिया, पीटर लो मुझे हक करो. ये करो का मैंने शॉर्ट में लिया, इसका मीनिंग नहीं हो गया. तो पेट्रो पेट्रोमाइजोन पीटर लैम्प्रे लो एंड मुझे मिक्सिन हग हग फिश. तो दिस वर्ड एग्जैक्टली आर द करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ इट. दस वर्ड एग्जैक्टली I am trying to make you to get and understand. तो यहां पे इसी आधार पे हम आगे जाते हैं और रिमेनिंग पार्ट को देखते हैं. अगर ये हो गया तो we'll have the other chapter. हम आ गए दूसरा पाइसेस पे. पाइसेस में क्या हुआ, कॉन्ड्रिक्टिस. अब कॉन्ड्रिक्टिस है क्या वो जरा ध्यान से देखिए. कॉन्ड्रिक्टिस भी मैरीन एनिमल है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, पन कार्टिलेजिनस है, एंडोस्केलेटन. माउथ लोकेटेड वेंट्रली विल हैव मोर इंपॉर्टेंस. यहां पे क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने. नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है, हाईलाइटेड वर्ड है. एज आई टोल्ड यू, you got to know it. Gill slit separate without operculum. इसपे कोई कवरिंग नहीं है, नो कवरिंग एट ऑल. इसके स्केल्स जो है प्लेक्वायर्ड है. What do you mean by प्लेक्वायर्ड? प्लेक्वायर्ड means this kind. ये प्लेक्वायर्ड स्केल्स हैं, प्लेट लाइक. टीथ आर मॉडिफाइड. प्लेक्वायर्ड स्केल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. I can make it red. Teeth are modified plaquoid. Backward in right, their jaws are very powerful. Animals are predaceous. Due to absence of air bladder, they have swim constantly to avoid sinking. So, dhyan dijiye. What are the important words over here? Completely dekhne koshish kariye. I think you are getting what exactly I mean to speak on. Are you getting? तो एक word आ गया है predaceous. उसका मतलब क्या हुआ, आपने कभी ध्यान दिया? That means predatory. Right? अब उसके आगे चले जाओ. यहां पे है एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर. एयर ब्लैडर बिल्कुल नहीं होता. क्यों? हेल्प्स इन टू कॉन्स्टेंट स्विमिंग, अवॉइड सिंकिंग. जैसे बर्ड्स में होता है फॉर फ्लाइंग, यहां पे होता है अवॉइडिंग सिंकिंग. इसके आधार पे ये कंप्लीटली. अब यहीं पे देखो, हार्ट टू चैम्बर मेंशन किया है. यहां पे इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पिडो एंड सम पजेस पॉइजन स्टिंग. इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है इनके पास, करंट मार देते हैं कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आया तो. याद कि पॉइजन होता है ट्राइगोन में. इंपॉर्टेंट है इसीलिए मेंशन कर रहा हूं. यहां पे दोनों है, टो ट्राई, तो ट्राई करो. अब अगर क्वेश्चन देखने का है तो यहां पर दोनों वर्ड को आप तो ट्राई, तो ट्राई, तो ट्राई क्या करोगे. यहां पे दो आया, तो टॉर्पिडो एंड देन ट्राइगोन. ये रिमेंबर करने के तरीके हैं जो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा. बट दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकिलो थर्मस, पाओ किलो थर्मस. तो आप स्पेलिंग याद रख पाओगे. दे लैक capacity to regulate their body temperature. Sexes separate. Males having pelvic fins bearing clasper. हमने important कर दिया. Right?
इसमें यही सारी बातें हैं और वीवी पेरी होते हैं, ये भी काफी बार क्वेश्चन आया है वीवी पेरस पे. यू नो दैट दे इट मींस दे आर लेइंग द यंग वन. राइट. अब यहां पे दिया है एग्जाम्पल्स. अब एग्जाम्पल्स में क्या है, स्कोलियोडॉन डॉगफिश, प्रिटेस शॉफिश, कारकाडोन ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगोन स्टिंगरे. तो हाउ वी कैन रिमेंबर दिस, तो यहां पे देखिए अगर इसको याद करने का है तो हम क्या बोलेंगे, स्कोलियोडॉन हम ले लेते हैं से और स्कोल्ड डॉग प्रीति सी. राइट. सी कार गोइंग ट्राई सेव एस ए वी है ट्राई सेव इट. हमने क्या लिया, स्कोल डॉग डॉग प्रीति सी कार गोइंग ट्राई सेव इट. दिस व्हाट एग्जैक्टली आई हैव गिवन फॉर दिस एंटायर डिटेल बाय विच कैन रिमेंबर. स्कोलियोडॉन स्कोल्ड डॉग डॉग फिश प्रीति प्रीतिस सी शॉफिश कार कार कैरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क एंड ट्राइगोन ट्राई स्टिंग सेव. इट का हैज गॉट नो मीनिंग एंड देयरफॉर यू डोंट हैव टू बॉदर. रिमेंबर दैट दीज आर थिंग्स यू गॉट टू अंडरस्टैंड, यू गॉट टू नो, यू गॉट टू रिमेंबर. दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज ऑल फॉर. तो यहां पे मैंने आपको बता दिया, हम आगे जाएंगे. अब यहां पे बात देखते देखते हम आ गए ऑस्ट्रिक्थिस के ऊपर. ये ऑस्ट्रिक्थिस जो है दोनों है, मैरीन है एज वेल एज अ फ्रेश वाटर. इसका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया ऑस्ट्रियो मींस बोन. राइट. और देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, माउथ मोस्टली टर्मिनल. माउथ क्या है, टर्मिनल है. दे हैव फोर पेयर्स ऑफ गिल्स covered by an operculum. Air bladder present, which regulates buoyancy. Sorry. They are cold-blooded animals. अब यहीं पे ध्यान देना, हम आगे next part पे इसके example पे. यहां पे दो तरह के एग्जाम्पल शायद आपके सामने रख दिए गए हैं, सारे के सारे मैरीन हैं. अब यहां पे दिखा है एक्सोक्वेटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स. ये दोनों मैरीन है. फ्रेश वाटर लेबियो रोहू, कैटला क्लेरियस मगुर. एक्वेरियम का है बेटा फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एंजल फिश. तो हम पहले इसको देखते हैं, किसको, मैरीन में दो ही चीज है, दोनों के अलग अलग है. एक्सोक्वेटस फ्लाइंग फिश,
तो यहां पे क्या देखोगे, एग्जिट फरहान, एग्जिट फरहान और दूसरा दे रहे हाय सैंडी। यहां पे फरहान को बोल रहे बाहर निकलो और सैंडी को बोल रहे हैं हाय। तो यहां पे मैंने लिया मरीन में एक्सोक्वेटस फ्लाइंग फिश, तो एक्सोक्वेटस एग्जिट फ्लाइंग फिश फरहान बाहर निकलो। एंड देन यहां पे दूसरा मैंने ले लिया हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, तो मैंने बोला हाय सैंडी, तो हिप्पो हाय एंड दी सी हॉर्स सैंडी। ये इसका है किसका, मैरीन का। ये मैरीन का निमोनिक्स है जिसे आप याद रख सकते हो। हम आ जाते हैं फ्रेश वाटर पे। यहां पे लेबियो रोहू, कैटला एंड क्लेरियस मागुर, तो हम कैसे इसको मेंशन कर सकते हैं वो देखिए। कैसे हम मेंशन करेंगे, लो राहु, लो राहुल बोल दिया, लो राहुल, फिर है कैटला, कार, कार को, लो राहुल कार को, फिर आया यहां पे क्लियर मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस है कर डालो। अब राहुल कौन है, गैरेज वाला है, तो बोल दिया लो राहुल कार को क्लियर मेंटेनेंस, जो भी बातें हैं उसको क्लियर कर दो। तो लो क्या हो गया, लेबियो, रोह क्या हो गया, राहुल, कैटला क्या हो गया, कार, और कैटला को क्लैरियस क्लियर मागुर मेंटेनेंस। ये इसके आधार पे एग्जाम्पल को आप दिमाग में रख सकते हो, ऐसा मेरा मेन मोटो है टू टेल यू। तो यहां पे वही मेंशन किया है, मैरीन में क्या है, एक्सोक्वाइटस फ्लाइंग फिश, फिर क्या है हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, फिर क्या है फ्रेश वाटर लेबियो रोहू, कैटला कैटला ओ कॉमन नेम ऐसे ही है, क्लेरियस मागुर। अब आया तीसरा बेटा, बेटा फ्लाइंग पीटर और एंजल के साथ कर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्वेरियम का पहला वर्ड है बेटा, ये एक्वेरियम का है, तो आई टेक दिस वे हियर, बेटा फ्लाई पर आज नहीं, नहीं मैंने छोटा रख दिया जिसका मीनिंग नहीं होगा, तो बेटा फ्लाई पर आज नहीं मींस फ्लाइंग क्लब की बात मैंने ले लिया, और अ गार्डियन सेइंग बेटा फ्लाई कर लेकिन आज नहीं। यही ये सारी बातें हैं जो आपको समझ सकते हैं। हमने यहां पे लिया मैरीन फिश को, फिर हमने यहां पे ले लिया एक्वेरियम को, एक्वेरियम आप ध्यान दीजिए, उसके बाद हमने यहां पे ले लिया किसको लिया था मैंने, फ्रेश वाटर को, तो यहां पे है फ्रेश वाटर। अब ये आधार पे आपके दिमाग में शायद चीजें रुक जाएं, एंड आई शुड बी नोइंग इट, क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, एज यू नो दैट एग्जाम्पल पे क्वेश्चन ही फायर होते हैं, यहां पे मैच द कॉलम भी हो सकता है। सारी बातों को आप अच्छी तरह देख लीजिए, यही यहां पे दिखाया गया है। नाउ आई एम गोइंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एम्फीबिया,
आई विश आई एम रीचिंग टू यू। तीन बातों को थोड़ा थोड़ा देखिए बेटा, नजरें अंदाज ना किया जाए। ये चीजें अपने को डिफिकल्ट होती हैं, और यू नो दैट मैंने बताया था एनिमल किंगडम में ज्यादा क्वेश्चन फायर होते हैं। एम्फीबिया का बहुत सारी बात आपको मालूम है, मैं उन्हीं बातों पे जाऊंगा जो रियली आपके काबिल है, इंपॉर्टेंट होंगी। यहां पे एक बात हो सकती है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, राइट? अब यहां पे बुफो टोड फ्रॉग है, रैना, राइट, हाइला ट्री फ्रॉग, साला मैंड्रा सालामैंडर, इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबिया। अब यहां पे सोचिए निमोनिक्स क्या हो सकती है। हमने यहां पे लिया बस तू रोज फाइट हाथ तेरे हाथ तेरे सैंडी हाथ तेरे सैंडी स्पॉयल हाथ तेरे सैंडी स्पॉयल और उसके बाद इक्थियोफिस। इंक लगे हैं बस तू रोज फाइट बस तू रोज फाइट हाथ तेरे सैंडी स्पॉयल इंक लगे हैं। हमने बस को बुफो कर दिया, टोड को तू कर दिया, रैना रैना को रोज कर दिया, फ्रॉग को फाइट कर दिया, हाइला को हाथ कर दिया, ट्री फ्रॉग को तेरे कर दिया, सैलामैंडर को सैंडी कर दिया और सैलामैंड्रा को सैंडी कर दिया और सैलामैंडर को स्पॉयल कर दिया, इक्थियोफिस को इंक बना दी मैंने और लिंब वाले को लगे हैं। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, बस तू रोज फाइट हाथ तेरे सैंडी स्पॉयल, स्पॉयल है मतलब बोल सकते हो इंक लगे हैं। ये कंप्लीट फिनोमेनॉन है टू नो एंड रिमेंबर। डीराना टिग्रीना को इसी आधार पे आप दिमाग में रखिए और हम आगे जाते हैं। यहां पे कोई चीज नहीं है, पर यहां पे ध्यान रखना इसकी एलिमेंट्री जो कैनॉल है, एलिमेंट्री कैनॉल वो कंप्लीट है, कंप्लीट, राइट? तो दस वर्ड एग्जैक्टली यू गॉट टू नो एंड रिमेंबर। नाउ सेम आई एम प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट एंड ट्राइंग टू रीच एंड कंप्लीट इट। आई आर एप्टीलिया पे सारे देखो दिखे हैं, नाजा नाजा भी आपके साथ में है, चिलोन है, टर्टल, टेस्टुडो है, टर्टोइज, चमेलियन है, ट्री लिजर्ड, कैलोटिस है, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल आप देख ही रहे हो मस्त एकदम दौड़ा रहा है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर भी है, हेमीडेक्टाइलिस है, पॉइजनस स्नेक है, नाजा एंड बैंगरस है, दैट द क्रेट वाइपर है, वाइपरा। रिमेंबर हाउ डू रिमेंबर ऑल दिस, राइट नीटली एंड पेस्ट ऑन द वॉल वेर यू सिट फॉर द स्टडीज, दैट इज ओनली मेन थिंग टू रिमेंबर इट। तो ऑप्शन में आएगा तो हमको कंफ्यूजन तो आता ही है। तो उसी आधार पर देखिए हम आगे जा रहे हैं।
और आगे सोचते हैं क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं। डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड रेपर रेप्टम विच क्रीप्स एंड क्राउल्स कवर्ड बाय कॉर्निफाइड स्किन मींस हार्ड टफ स्किन कॉर्निफाइड मींस केराटिनाइज्ड। इसके जो स्केल एपिडर्म स्केल्स स्क्यूड्स स्क्यूड्स कैसे होती हैं पॉइंटेड दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग टिम्पानम होता है फ्रॉग के जैसे तो आप बोल सकते हो बेस्ड ऑन टिम्पानम हाउ दे आर इवॉल्व फ्रॉम फ्रॉग। टू पेयर्स क्या है लिम्स चार टांगे होती हैं हार्ट थ्री चैम्बर हो गया फोर चैम्बर भी होता है क्रोकोडाइल में। रेप्टाइल सब पोइक्युलोथर्मस सब कोल्ड ब्लडेड ही हैं जब चल रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल दे आर ओवी पेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ध्यान दीजिए ये सारी बातें आ जाती एग्जांपल में विच ऑफ देम आर दी ओवी पेरस विच ऑफ देम आर वीवी पेरस वही आपको देखना है। अब यहां पे अगर हम देखने जाएं निमोनिक्स बनाने में तो बहुत लंबा होता है लेट्स ट्राई एंड सी दैट व्हाट वी कैन डू। तो यहां पे सी है तो हम पहला वर्ड लेते हैं चलो फिर दूसरा वर्ड है टर्टल चलो टेक फिर तीसरा वाला है टेस्ट चलो टेक टेस्ट चौथा वर्ड है टुडे शायद आज आपका एग्जाम भी होगा फिर केमिस्ट्री यहां पे चैमिलियन है केमिस्ट्री फिर लिखते हैं टेस्ट फिर कार कैलोटिस को कार लिख दिया कार गेट राइट गार्डन को गेट कर दिया क्रोकोडाइलस है फिर यहां पे क्या लिख देंगे क्रोकोडाइलस एंड क्रोकोडाइल दोनों सी है कार गेट कैच कैट कैच कैट तो बोल रहे आने एलिगेटर आने आने कैच कॉर आने आने फिर है हेमीडक्टाइलस आने आने हे हेमीडक्टाइलस हे हे वासिम नाजा कोबरा बेकार ना जा बेकार कर वाइपर है ना जा बेकार कर विक्ट्री विक्ट्री वेस्टेड। अब हमने क्या लिख दिया है मुझे भी नहीं मालूम है लेकिन मैंने थोड़ा सिंपलीफाई करने की कोशिश करी है चलो टेक टेस्ट टुडे केमिस्ट्री टेस्ट कार गेट कैच कैट आने 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 या किसको हम बदल भी सकते हैं
आने आने को आ अमर, ये थोड़ा वेग लग रहा है, आ अमर हे वासिम ना जा बेकार, ना जा बेकार कर, ना जा बेकार कर, मतलब बेकार का मत कर, विक्ट्री वेस्टेड टू यू। ये इतना मैंने इसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, सिंप्लीफाई द वे थिंग्स आई एम नॉट जस्ट मेंशनिंग। तो इसी आधार पे सारे एग्जांपल को देख सकते हो, चलो चेमिलॉन, टेक टर्टल, टेस्ट टेस्टडो, टर्टवाइज टूडे, चमेलियन ट्री लिजर्ड। तो यहां पे क्या केमिस्ट्री, राइट, कैलोटिस कार, गेट गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल कैच कैट, एलिगेटर आ अमर, हेमीडेक्टाइल्स हे वासिम, ना जा कोबरा, ना जा बैंगुरस क्रेट बेकार कर, वाइपरा वाइपर विक्ट्री वेस्टेड, राइट। अपना काम और टाइम बेकार मत करो, विक्ट्री इज 100% टू यू। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई हैव ट्राइड एंड गिवन यू अबाउट दिस। तो नाउ आई विश आई कैन नाउ मूव टू द नेक्स्ट, टाइम ऑल्सो अलार्मिंग, आई विश आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द नेक्स्ट थिंग, आई माइट गो एंड टॉकिंग दिस ओनली। नाउ कम टू द पक्षियां, बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स में क्या क्या बातें हैं जो आपको जानने की जरूरत है। यहां पे देखिए, अगर हम देखें तो यहां पे क्या क्या है, फाइटलेस फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच इंपॉर्टेंट है, फिर देखो बीक है मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फिर आप जरा जाइए स्किन इज अ ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड, यही एक प्रेजेंट होती है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने मार्क कर दिया इसको। यहां पे इसको न्यूमैटिक बोलते हैं, क्यों, एयर कैविटीज है, राइट। अब यहीं पे चेंबर देखो, हार्ट इज कंप्लीटली फोर चेंबर्ड। रेप्टिलिया में क्या होता है, ओनली क्रोकोडाइल, होमियोथर्मस है, वार्म ब्लडेड, राइट। अगर हम आगे जाएं इसी आधार पे तो देखिए क्या दिखेंगे, ये सारी बर्ड्स आपके सामने हैं, राइट, पाओ। तो अगर यहां पे देखिए आप तो क्या क्या दिख रहे हैं, ओवी पेरस तो ही है, अंडे तो आप खाते ही हो, तो कोई सवाल ही नहीं आती। अब यहां पे आगे एग्जाम्पल के ऊपर, अब क्या क्या इसमें हम कैसे याद कर सकते हैं, पहला है कोरवस क्रो, कोलंबा पिजन, एंड देन सिटेक्यूला पैरट, स्ट्रुटियो ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, एप्टिनो डाइटिस पिंगुइन, एंड नियोफ्रॉन वल्चर। अब इसको किस तरह से हम देख सकते हैं, यही आपको देखने का है। यहां पे तीन सी है, कॉर्वस क्रो कोलंबस पी साइटेक्यूला पैरेट स्ट्रुटियो ऑस्ट्रिच पाओ पिकॉक एप्टन डाइटिस पिंगुइन एंड नियोफ्रॉन वल्चर। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके देखें तो क्या हम बता सकते हैं, ले रहे कार कार कोलंबस पर, कार कार कोलंबस पर पे
पेमेंट पे पेमेंट सेम ओवर टाइम फिर यहां पे फिर से आ गया पाओ 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 एंड पिकॉक इसको एक ले लो कार कार कोलंबस पर पे पेमेंट सेव ओवर टाइम जो ओवर टाइम से पेमेंट है दैट यू पे तो वी कैन टेक अप क्रॉस कोलंबस एंड अप टू दी ऑस्ट्रिच यहां तक लीजिए। अब देखिए पाओ पिकॉक एप्टेंडाइटिस पेंगुइन एंड नेफ्रॉन वल्चर इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं द रिमेनिंग पार्ट के लिए लेट्स चेंज द कलर सो दैट यू रिमेंबर तो अगर हम इसके लिए ले प्रीति पे आज प्रीति पे आज पेमेंट नहीं नहीं वल्चर को नहीं वल्चर ही लिख दो अभी नई चीज आ रही है तो प्रीति पे आज पेमेंट नहीं वल्चर अब वल्चर का मतलब अगर आप चाहो तो नहीं विवेक विवेक डाल दिया तो ये कंप्लीट हो गया वल्चर की जगह पे तो यहां पे तो प्रीति को उन्होंने ना बोल दिया कि आज मैं नहीं दे सकता हूं तो यहां पे दो बातें मैंने बता दी आपको इस बारे में कार कार कोलंबस पर पे पेमेंट सेव ओवर टाइम और यहां बता प्रीति पे आज पेमेंट नहीं विवेक दिस व्हाट एग्जैक्टली आई हैव लुक्ड इनटू ऑल दीज एग्जांपल्स एंड जस्ट सेड दैट हाउ यू कैन रियली गेट इट आउट अब इसी के आधार पे अब लास्ट बचा है मैमल्स मैमेलिया में चले जाते हैं आज लगता है इतने होने वाले अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्वेश्चन कम रहते हैं एक्सेप्ट एग्जांपल काफी कम क्वेश्चन रहते हैं पोलर आइस कैप्स हैबिटेट में तो हर जगह आपको मालूम है एनिमल्स तो मिलते ही मिलते हैं मेमोरी ग्लैंड आपको मालूम ही है वॉकिंग रनिंग बरोइंग एवरीथिंग इज देयर तो यहां पर कुछ खास दिख नहीं रहा है तो हम आगे जा रहे हैं देखिए जहां पे कुछ दिखे उसको देख लेते हैं यहां पे कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं हो रही एक्सेप्ट होमियोथर्मस कहां कहां पे होता है वो देख लीजिए एप्स और मैमल अब यहां पे आ गए एग्जांपल पे यहां पे कई ग्रुप आप ले सकते हो पहला हम ओवी पेरस को ले सकते हैं एक ग्रुप दूसरा वीवी पेरस को ले सकते हैं हम वीवी पेरस में कहां तक आ जाएगा वो देखने का अपने को सारा उसमें ही आ गया आप देख रहे हो तो पहला आप ले लो ओवी पेरस को तो यहां पे लेंगे ओए
ओए पे, सामान खरीद लिया, पे नहीं कर रहा है, तो यहां पे ले लिया ओए ओए पे, यहां पे ओवी पेरस और निथोर हिंकस प्लेटिपस, यहां पे वीवी पेरस यहां पे ले रहे वेस्ट मनी, वेस्ट मनी किंग कैंगरो पर फरहान केयर कैश, हमने यहां तक ले लिया वेस्ट मनी किंग पर फरहान केयर कैश, मीन्स कैश का केयर करो नहीं ड्रॉप कर दोगे, तो हमने कहां तक लिया यहां कैमल तक ले लिया, लेट्स चेंज दी यहां तक ले लिया, पहला लिया है वी 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 पेरस मैक्रोपस कैंगरू मनी किंग लिया कैंगरू देन पर लिया पर 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 किसके लिए लिया मैंने ये टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स फिर लिया मैंने कैमिलस कैमल राइट फॉक्स को लिया फ्लाइंग को फरान एंड देन केयर कैश अब आ गए हम दूसरे पे मैकोका मंकी रैटस रैट कैन इज डॉग फेलिस कैट एलिफस एलिफेंट अब इसको अगर हम एक पार्ट में ले लें तो कैसे कोशिश करते हैं कि क्या बना सकते हैं मकाका को लेते हैं एक बात में मुझे यहां पे लेते हैं इस हॉर्स मुझे इस हॉर्स डेल्फिनस को पूरा ले लेते हैं हॉर्स को नाम दे दिया डेल्फिनस दो यहां पे डॉल्फिन लिया दो बस 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 वहां पे पैंथरा आ गया पेमेंट टाइगर आ गया तो फिर आ गया पैंथरा लियो पे पर पेमेंट तो पे लूसी मुझे इस हॉर्स डेल्फिनस दो बस बस पेमेंट तो पे लूसी उसके बाद ही मिलेगा आपको दस वर्ड एग्जैक्टली आई हैव गॉन ओवर हियर तो हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है जस्ट टू मेक इट अ लिटिल अंडरस्टैंडेबल तो हमने लिया मकाका से लेके यहां तक ले लिया कंप्लीट राइट ये कंप्लीटली एग्जैक्टली इज ऑल अबाउट दिस पार्ट्स यू नो दैट दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट सर्टेन थिंग कैन बी आस्क एंड विद दिस टुडे आई शैल टेक योर लीव और बाद में फिर मिलेंगे विद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच आई कुड नॉट टच टुडे थैंक यू सो मच गॉड इज ग्रेट